हरदा जिला के निजी स्कूलों के संचालक ने शिक्षा कार्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2021-22 हेतु गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों की वर्ष 2021-22 हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने संबंधित समय सीमा में वृद्धि करते हुए पिछले कुछ दिनों से पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण पोर्टल पर कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे कि विद्यार्थियों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान भी आज दिनांक तक लंबित है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। तीन, धीरे धीरे हाथ पुनः पर्वतासन, कंपों को ऊपर की ओर उठाइए, पेड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन, सिर को घुटने की। अशासकीय विद्यालय संगठन जिला हरदा के द्वारा मुझे वर्ष 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में इन्होंने शासन स्तर से कुछ मांग किया है, इसके संबंध में मुझे आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसको मैं विधि सम्मत बना करके जो है शासन को भेज दूंगा। देखिए, RTE के तहत जो अनिवार्य शिक्षा है उसके तहत हमारे शासन ने, हमारे देश के शासन ने एक कानून बनाया जिसमें बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, परंतु उसमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ यक्ष प्रश्न हैं और ख़ास करके मध्य प्रदेश शासन से वो हमारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जब इनका बच्चों का जब एडमिशन होता है तब पूरे सरकारी ऑनलाइन इनका वेरिफिकेशन होता है, इनके नोडल हमें वेरिफिकेशन करके सील साइन करके हमारे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, फिर भी प्रत्येक वर्ष उनका बार बार वेरिफिकेशन होता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर किस चीज़ का वेरिफिकेशन होता है, जब आपने ही उसका वेरिफिकेशन करके हमारे इधर एडमिशन कराया है तो बार बार आप किस बात का शक कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के मुखिया से भी ये कहना है कि आपके जो गरीब भांजे भांजियाँ हैं, आखिर उनका बार बार सत्यापन करा के हम उनका अपमान क्यों कर रहे हैं। दूसरा हमारे एक विषय है, चलिए वेरिफिकेशन भी हो जाइए। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए हमें प्रदेश सरकार ने या हमारा शिक्षा विभाग है, उन्होंने आदेश दिया कि जून माह में 15 जून तक सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जून माह में जब छुट्टी चल रही है, बच्चे हमारे विद्यालय में है नहीं, वो 15 जून को पोर्टल बंद कर दिया, कैसे वेरिफिकेशन होगा। जब हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए तो पुनः पोर्टल ओपन किया, मगर आप फिर देखिएगा, आप फिर नीति देखिएगा, 22 दिसंबर को पोर्टल ओपन किया और 24 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश है और 8 जनवरी को जो है उसकी लास्ट डेट है और पिछले 3 दिन से पोर्टल चल नहीं रहा है और अभी शीतलहर के कारण पूरे प्रदेश के हर ज़िले में स्थानीय अवकाश भी घोषित कर दिए गए हैं। आखिर शासन की मंशा क्या है? क्या हम प्रपोजल बना ही नहीं? क्या इन गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है? निश्चित ही हम यही मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात जाए और वो इस समस्या को सुलझाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।